الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وإترته إلى يوم الدين والجزاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا شفیع المذنبین یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے پڑھ لو محبت نال یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے کوئی نہیں کنو کما میں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں جے سارا پڑھ سکو تے بڑی سونی گلے نہیں تے اینا زور پڑھو تیرے جیا کوئی نہیں کنو کما میں تیرے جیا تیرے جیا اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نے بھی ہو کے آ تیرے کوئی نہیں نبیاں نے بھی ہو کے آ تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے اللہ جل مجد کریم کی حمد و ثنا
और उसके प्यारे हबीब हबीब लबीब सरवर कायनात मफ़खर मौजूदात जीनत बज़्म कायनात हादियो सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल आईना हक नुमा मजहर ज़ात किबरिया कासिम रिज़्क़ खुदा अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना के दरबार गौहर बार में हदिया दरूद व सलाम अर्ज करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामिन व नाज़रीन बिलखुसूस उलमाए किराम ज़ियत शाम कायदीने जमीयत उलमाए पाकिस्तान कायदीने तारीख लबैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक्तदर उलमाए किराम मुफ्तियाने किराम खुराए जाम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की अजीम शान ताजदार खत्म नबूवत अजमत सहाबा अहले बैत कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर हम सभी शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, कायदे मिल्लत इस्लामिया कंज़ुल उलमा मुफक्किर इस्लाम तर्जमान हकीकत ज़ैग़म इस्लाम हज़रत मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसफ साहिब जलाली अतालल्लाहु उम्रा आपके फैज़ याफ्ता तरबियत याफ्ता उलमाए किराम भी आज की इस बज़म के अंदर तशरीफ़ फरमा है और मुक्तदर तंजीमात अहले सुन्नत के रहनुमा भी आज की इस कॉन्फ्रेंस की रौनक को दुबाला फरमा रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहू जितने तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह करीम सामईन समेत सबको अपने अपने हिस्से का अजर अता फरमाए। अहबाबे ज़ी वक़ार अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सबसे सुथरे और सबसे सुचे अकीदे का वारिस बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व आला ने इस आलम रंगो बू के अंदर दुनिया कायनात के अंदर जिन लोगों को खुश नसीब तरीन फरमाया है उन्हें अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। खत्म नबूवत की अगर बात की जाए तो अकीदा खत्म नबूवत के सबसे पहले जो मुहाफिज हुए अल्लाह ने उन्हें अहले सुन्नत होने का शर्फ अता फरमाया। सहाबाए किराम की पुरवकार जमात के बाद से लेकर आज तक इस अकीदा हक्का पर जो कायम रहे डटे रहे जितनी सदियां उम्मत गुजार चुकी इस हर सदी के अंदर जिन्होंने हक का झंडा थाम के रखा अल्लाह ने उन्हें अहले सुन्नत होने का शर्फ अता फरमाया। इसी तरह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम आपके आले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अजमाइन इनकी इज्जत और नमूस पर जो पहरा दे रहे थे दे रहे हैं और सुबह कयामत तक देते रहेंगे, जब भी किसी फर्द का रोशन किरदार आप देखेंगे तो वो सुन्नियों का फर्द ही नजर आएगा। अकीदा खत्म नबूवत की पासबानी का मामला हो राफजी वैसे मैदान में नहीं और खारजी आना चाहे तो आ नहीं सकता, इसलिए कि जिसका नजरिया और अकीदा ये हो कि उन्हें तो माजअल्लाह कल की खबर नहीं, वो कल की खबर रखते नहीं माजअल्लाह, तो उसके नजदीक तो फिर हुजूर को कयामत तक के सारे मामलात की माजअल्लाह खबर नहीं, सारे मसाइल का पता नहीं माजअल्लाह। तो जब सारे मसाइल का पता नहीं तो फिर उनका इदराक कैसे आप इरशाद फरमा गए। इसलिए अकीदा अहले सुन्नत को बयान करने वाले का भी सुन्नी होना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला व आला ने अपनी पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया लाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबीजीन
हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ फरमाते हुए, जिक्र फरमाते हुए इस अंदाज में इरशाद फरमाया कि आप अल्लाह के रसूल हैं और सारे नबियों से आखिरी हैं। बुलंद आवाज से कहें जरा सुभान अल्लाह। जरा थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, इसलिए कि जिस सच्चे अकीदे के वारिस हो उसका इजहार जज्बों से भी करना है, अपनी जुबान से कलमा तहमीद कह के भी करना है। फरमाया नबियों का खातिम होने का ताज अल्लाह ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है, सहाबा के मजमे में बैठे हुए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा होके एक दिन खुद अपनी जुबान से शान खत्म नबूवत को बयान फरमाया। अब देखें दुनिया में आज बड़े बड़े हसीन सौत के मालिक, हसीन आवाजों वाले, हसीन लहजों वाले, बड़े बड़े अजीम व शान जलील और कदर खतीब अदीब जुआमा फुकहा हद्दसीन सारे मौजूद हैं। हर कोई अपने अंदाज के अंदर इस अकीदे को बयान करता है और बयान करने में कमाल रखता है, महारत रखता है, मगर उस बयान करने को मैं किन लफ्जों में बयान करूं कि जिनके सर पे अल्लाह ने खत्मे नबूवत का ताज रखा वो खुद अपनी जुबान से बयान फरमाने लगे। फरमाया मसली व मसलुल अंबियाए का मसले रजुल बना दारन फाहसनहू अजमलहू। एक रवायत में ये फरमाया मेरी और मुझसे कबल अल्लाह के नबियों और रसूलों की मिसाल उस बंदे जैसी है जिसने महल बनाया हो, महल बड़ा आलीशान बनाया हो, उहसना बुनियानहू व तुरिका मौदिअ लबनतैन। फरमाया महल बड़ा आलीशान बनाया है लेकिन बनाते बनाते एक ईंट की जगह खाली छोड़ गया है। फरमाया अब जब महल तैयार हो जाता है, लोगों की फितरत है कि लोग महल को देखते हैं, वो देखते हैं बनाया कैसे गया है, वो देखते हैं इसको कैसे आराइश किया गया है, वो देखते हैं इसकी बुनियादें कैसी हैं, वो देखते हैं इसकी दीवारें कैसी हैं, वो देखते हैं इसकी तज़यीन और आराइश कैसी है। फरमाया जब महल तमीर हो गया, देखने वाले देखते रहे, देख के ताज्जुब करते रहे कि बनाने वाले ने इतना आलीशान बनाया है, एक ईंट की जगह क्यों छोड़ दी है। फरमाया अब फताफ अब हिन्नुजारो वयतअज्जबून मिन ज़ालिका, इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले ये देखते हैं और फिर ताज्जुब करते हैं, महल बड़ा प्यारा बनाया है, महल बड़ा आलीशान बनाया है, मगर बनाते बनाते न जाने बनाने वाला क्यों एक ईंट की जगह खाली छोड़ गया। हुजूर फरमाते हैं इसी तरह अल्लाह ने जब नबियों और रसूलों को भेजकर, अंबिया और मुरसलीन को भेजकर नबूवत का महल तमीर फरमाया, अपने अपने जमाने में सारे जिशान आते रहे, अपने अपने जमाने में असमतों के पहरेदार आते रहे और अपने अपने जमाने में जलीलुल कदर असमतों और शानों के मालिक आते रहे, मगर मेरी जगह अल्लाह ने खाली रखी। जब अल्लाह ने मुझे भेजा, मेरे आने के साथ अल्लाह ने नबूवत के महल को मुकम्मल फरमा दिया। या इन कह लो फरमाया मेरे आन तो पहला महल मुकम्मल ते हुंदा रहा, मगर ओ जगह रखी गई बचा के, ओ जगह बचा के रखी गई जिस जगह नू रब ने मेरे जरिए मुकम्मल करना। फरमाया फकुन तो सदत तो मौज़े अलब न तिन, जिसने आके उस खाली जगह नू पुर फरमाया उसको नबियों का ताजदार कहते हैं। इसका तर्जमा मैं शायर की जबानी में करना चाह रहा हूं। शायर ने बड़ी सोहनी गल की थी, उन्हें ब्याह पैगाम दिता दसिया है सेने चमन को अपनी बहारों पे नाज था। मिल के जरा गूंज पाके पढ़ लो सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था।
था वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। फरमाया मैंने आके वो जगह मुकम्मल की। और दूसरे फरमान के अंदर असीदतुल शुहदा के अंदर मौजूद है कि जदो अबरा बादशाह ने आके मक्का ते हमला कीता और माजल्ला याद रखियो ये वो अकीदा है जेड़ा बंदियां नूं ते समझ आए ही है। बंद बंदियां नूं नहीं आजाद बंदियां नूं उन्हां नूं समझ ते आए ही है। ये इन्ना वाज़े अकीदा है जेड़ा रब ने जानवरां नूं भी समझण दी तौफीक अता की। जदों अबरा बादशाह काबा मुअज़्ज़मा ते हमलावर होया और हमला आवर होण तो बाद उन्हें आलिया ने मक्का दे माल लुट लै। जिन्हां दा माल लुटिया गया उन्हां विचों एक सरकार दे दादा जी हजरत अब्दुल मुतलिब आप दे ऊंट भी सैकड़िया के हिसाब नाल उन्हें कब्जे विच ले लै। ते जदों आप तक खबर पहुंची कि आप दे जितने ऊंट ने वो सारे अबरा दे बंदियां ने कब्जे अंदर लै लै ने। आपने सोना जा लिबास पाया सोना लिबास पाके इमामा बन के आपने उदी फौज दा रुख कीता। फरमाया मैं जाके उन्हूं अपना तारफ ते करावां कि एवें किते गलती विच माल ना लै जाई मैं उसे तारफ तो करवाऊं जाके कि मैं हूं कौन। उसने सैकड़ों के हिसाब से हमारे ऊंट भी कब्जे में ले लिए। रावी बयान करते हैं जब आप उस तरफ गए अभी फौज के करीब ही पहुंचने वाले थे देखा के सामने बहुत बड़ा हाथी हमलावर होने के लिए तैयार है। क्योंकि वो बड़े बड़े हाथी लेके आया था और बड़ा हाथी जिसको आमतौर पे महमूद कहा जाता था वो लश्कर के दिफा के लिए खड़ा था फौज के दिफा के लिए खड़ा था कि अबरा की तरफ कोई आ ना सके अबरा की तरफ कोई बढ़ ना सके। जब हुजूर के दादाजी उसके करीब पहुंचे मूड कुछ जदों सरकार के दादाजी ने वेख्या एदा मूड कुछ हो रहे थे हमला करना चाहता है ए मैनू बादशाह तक जान नहीं देन लगा बादशाह नाल हम कलाम हो नहीं देन लगा। आपने हाथी दे सामने खलो के आखिया इन्नी जद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ नबीओ आखिर जमा जो करके बैठे हो अगर हाथी है भावे अरब विच खलोता लेकिन अरबी ते जानदा नहीं अरबी समझदा नहीं उन्हों की पता जद के नुआ देने उन्हों की पता मुहम्मद के नुआ देने उन्हों की पता आखरे जमान के नुआ देने। मगर सरकार दे दादा जी ने जदो अपना तारों पेश कीता है जदो सरकार दे दादा जी ने उस हमला आवर होन वाले हाथी दे सामने खड़े होके आपने फरमाया किते पुलेखे विच रह के नुकसान ना कर बैठी किते पुलेखे विच रह के मेरा रस्ता रोकदा ना रवी तेनू मैं दस देना जाना मैं कौन आ। फरमाया मैं दादावा उस हस्ती दा जिदा तारफ रब ने नामे मुहम्मद नाल करवाया है। फरमाया मैं उस मुहम्मद अरबी दा दादावा जिन्हां नूं रब ने सारिया तो आखिर ते भेजिया। जदों आपने इन्नी गल कीती हाथी रस्ता छड़ गया हाथी रस्ता चढ़ गया आप आगे चले गए जाके आपने कहा साडे माल नूं लुटण वाले आ साडे माल ते गारत करन वाले आ शायद तेनू पता नहीं असी कौन आ तेनू साडी शराफत नस्बी दा भी नहीं पता तेनू साडे कबीले दा भी नहीं पता। पर मैं असी ओ मां जिन्हां विच रब ने हस्ती भेजी है जिस हस्ती नूं रब ने सारिया तो आखरी बनाया है। और अगर
हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हो आपका फरमान पढ़ लिए तो फिर गल होर वाजे हो जाए। आपने फरमाया मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुबारक जबान तो यह सुनया। आपने फरमाया अना कायदुल मुरसलीन अना खातमुन नबीयीन अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन। फरमाया मैं वो हां रब ने जिन्हों रसूलों का कायद बनाया, मैं वो हां रब ने जिन्हों सारे नबिया का खात्म फड़ावा। फरमाया जिन्हें पहला आ चुके जिन्हें आने ने रब ने जिस हस्ती नू सब तो ज्यादा शान अता फरमाई है वह रब ने मेरी हस्ती बनाई। कुर्बान जावा इतना अजीम शान अकीदा है, लेकिन बंदा कभी हैरान भी होता है कि एडा वाजी अकीदा है। तो ऐसे भी नजर आते हैं वेखे वेखने वेखे जाते हैं जिहड़े आखदे ने असीं है बंदे हाँ, यह नहीं पता किहदे बंदे ने, आखदे ने है बंदे हाँ लेकिन अकीदा नहीं समझ आया। इतना वाजी अकीदा है उलमा तशरीफ फरमा ने कंजलो माल शरीफ अंदर मौजूद है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महफल सजा के बैठे सन, एक इराबी आ गया और महफले सहाबा महफले रसूल अलैहि सलाम तो थोड़ा जा दूर खड़ा होके बड़ी अजीब अजीब गल्लां करन लग पिया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने तलवार ताणी फरमाया तेनू पता नहीं किदी बारगाह है, तेनू पता नहीं किदी बारगाह है। हुजूर ने फरमाया उमर ठहर जाओ, उमर तुसी ठहर जाओ, हुणे तुसी वेखोगे रब्बे नू किन्नी हिदायत अता फरमाएगा। हुजूर दी महफल दे बाहर खलो के उन्हें बड़िया अजीब अजीब गल्लां करनिया शुरू कर दितियां। जदों सहाबा ने आके अगे आ जा सरकार दे सामने आके खलो गया, सरकार दे सामने जदों आके खलोया अपनी बगल दे विचों कश दे विचों उन्हें गो कढ़ के सरकार दे सामने रखी है, रख के आ दे जे तुहानू ए मन जाए ते मैं भी मन जावांगा। उन्हें समझिया कि शायद मैं बड़ा वड्डा इम्तिहान लैण लगा, बड़ी वड्डी आजमाइश करन लगा। ते अगर फरमाया कहंदा अगर ये मन जाए इन आमनत बिका हाज़ा दबो आमन तो बिका, जे ए तुहानू मन जाए तो मैं भी मन जावा। सरकार ने भी फरमाया आजमाइश करनी है तो चंगे तरीके कर, इनू की पता मैं कौन। सहाबा तशरीफ फरमा ने बड़े बड़े जरीर कदर सहाबा करा मौजूद ने, सरकार ने सारिया के सामने राबी भी सुन दिया पिया, आपने सारिया के सामने उस जानवर को मुखातब किया। आपने फरमाया याद अबो राबी बयान कर देने फाजा बदबो पिलिसान अरबी मुबी। जदों सरकार ने उस जानवर को मुखातब किया है, जदों सरकार ने उस जानवर को बुलाया है, बुला के सरकार ने जदों आवाज दी है, जदों सरकार ने पूछा है उसने अरबी बोलना शुरू कर दी है, इतनी उच्ची बोलना शुरू कर दी है। सहाबा का मजमा भी सुनता है पिया, जड़ी कौम बैठी वह भी सुनती है पई, उन्हें अरबी बोलनी शुरू कर दी है, बोल के किया दी है लबई कवासा दई का या रसूल अल्लाह, लबई का वसा दई का या रसूल अल्लाह। दो ने फरमाया मन आना, मुख्तसर करता हूं मन आना एगो ये तो बता मैं कौन। सवाल करने वाले ने कहा था आजमाने वाले ने ये माने तो मैं भी मानूंगा। सरकार ने कहा जरा बता ना मैं कौन। बात इस पे खत्म करूं, उसने कहा दरबारे रिसालत ने अर्ज किया अंता रसूल और रब्बिल आलमीन, हुजूर मुझसे पूछते हैं कि आप कौन हैं तो मैं अर्ज करती हूं आप अंता आप रसूल और रब्बिल आलमीन, आप उस रब के रसूल हैं जो सारे जहानों का रब है। वा खातमुन नबियीन
और आप वो हैं जिनको अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार बनाया है, सारे नबियों का खातिम बनाया है। दुआ करता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू उम्मत मुस्लिमा मिल्लत वहदा अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू इसी अकीदा हक्का पर कायम दायम रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे जितने अहले सुन्नत के अफराद हैं जहां जहां मौजूद हैं इस अकीदे को बयान करते हैं, तहफ्फुज करते हैं, तरवीज व इशाद करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किसी को अपने अपने हिस्से का अजर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।